दोस्तों, देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कुछ समय पहले एक सपना देखा था, मुंबई के नरीम पॉइंट को दिल्ली से जोड़ने का। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नींव रखी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, और आज उनका ये सपना पूरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के पहले पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ये एक्सप्रेसवे ना सिर्फ देश के दो बड़े शहरों को जोड़ता है, बल्कि इस एक्सप्रेसवे पर हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है और कहां कहां से होकर गुजरता है ये एक्सप्रेसवे। हो सकता है कि ये एक्सप्रेसवे आपके शहर से भी गुजरता हो, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, काफी समय से देश के लोग भारत सरकार के एक बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने का इंतजार कर रहे थे, और हाल ही में इस प्रोजेक्ट के एक फेज का काम पूरा हो गया, और जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। दिल्ली मुंबई के इस एक्सप्रेसवे के फेज वन गुरुग्राम के सोना से राजस्थान में दौसा जिले तक के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, जिसकी कीमत करीब 18,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इस उद्घाटन समारोह के दौरान करीब 2,00,000 लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे के पहले फेज सोना दौसा खंड के उद्घाटन के लिए दौसा जिले के धानवड़ गाँव हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के चरण एक के तहत किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की नींव 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 11,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली से मुंबई तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है। आने वाले दिनों में इसे 12 लेन का किया जा सकता है। 6 राज्यों में ये एक्सप्रेसवे, राजस्थान में 380 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 370 किलोमीटर, 300 किलोमीटर गुजरात में, 120 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 80 किलोमीटर हरियाणा में होकर गुजरेगा। इसमें 2 कॉरिडोर अलग से भी बनाए जा रहे हैं। इसके निर्माण में 12,00,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। साथ ही में इसमें 35 करोड़ क्यूब मीटर मिट्टी और 80,00,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। ये सीमेंट देश के एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी के 2% के बराबर है। ये एक्सप्रेसवे कंट्रोल है, इसका मतलब है कि हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आ जा नहीं सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद बाकी सड़क मार्गों की तुलना में दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी में 130 किलोमीटर की कमी आएगी। ये देश के 2 सबसे बड़े फाइनेंशियल हब यानी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली एवं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ता है। इन 5 राज्यों में दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का इस्तेमाल किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लगभग 50,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। दोस्तों, वैसे तो ये एक्सप्रेसवे कई राज्यों से होकर गुजर रहा है, लेकिन राजस्थान के लिए इसे एक खास सौगत के रूप में देखा जा रहा है और इसका फायदा खास तौर पर अलवर के औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा। आपको बता दें कि अलवर जिले में हाईवे पर उतार चढ़ाव के लिए शीतल व पिनान में 2 कट बनाए गए हैं। इसी तरह से छोटे शहरों की भी इस हाईवे के जरिए सीधी कनेक्टिविटी बड़े शहरों तक हो सकेगी। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। इससे दिल्ली से जयपुर पहुंचने का समय भी लगभग आधा रह जाएगा। जहां अभी दिल्ली से जयपुर पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं, वहीं अब इसके जरिए दिल्ली से जयपुर पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं इस एक्सप्रेसवे पर? दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे तेज स्पीड और दूरी कम करने के साथ साथ ही यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं भी दे रहा है। इस एक्सप्रेसवे को जर्मन तकनीक से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को आने वाले 50 साल के ट्रैफिक और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये फिलहाल 8 लेन में बनाया गया है, लेकिन सरकार को आगे आने वाली योजना में इस एक्सप्रेसवे को 12 लेन में बनाने वाली है, और इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 12 लेन बनाने के लिए जगह भी छोड़ दी गई है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर लगभग हर आधे किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, ताकि इस एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके। वहीं सरकार इन दिनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रमोट कर रही है, और ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, और इसके लिए सरकार ने लोगों को इस एक्सप्रेसवे पर भी सुविधा दे दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं होंगी और कई फ्यूल स्टेशन भी मौजूद होंगे। वहीं दोस्तों, लोगों के सफर को कंफर्टेबल बनाने के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 93 रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। एक से दूसरे रेस्ट हाउस के बीच 50 किलोमीटर का फासला होगा। इन रेस्ट हाउस में एटीएम, फूड कोर्ट, बर्गर किंग, सबवे, मैकडॉनल्ड्स जैसी सिबलिंग ब्रांड्स फूड रिटेल शॉप जैसी कई फैसिलिटीज मौजूद होंगी। इसके साथ ही मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होने पर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए हर 100 किलोमीटर पर पूरी तरह से इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर व हेलीपैड भी मौजूद होंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर करीब 2,000,000 पेड़ लगाए जाएंगे और इन पेड़ों को हर 500 मीटर पर ड्रिप इरिगेशन मेथड के जरिए पानी दिया जाएगा। वहीं
वहीं इन एक्सप्रेसवे पर लगाए जाने वाले पेड़ों से करीब 850 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए भी कटौती होगी, जिस वजह से पॉल्यूशन में भी राहत मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि सोलर एनर्जी और स्टेट ग्रिड दोनों का इस्तेमाल करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर अच्छी स्पीड और भीड़ भाड़ की कमी से लॉजिस्टिक खर्च लगभग 70% तक कम हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में हैवी व्हीकल्स डीजल की जगह बिजली का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 8 लेन में से 4 लेन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सुरक्षा करणों से 1.5 मीटर ऊंचा बैरियर बनाया गया है और स्लिप लेन के अंदर टोल प्लाजा बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वन्य जीवों के लिए इस हाईवे पर ओवरपास भी होंगे। एशिया का ये पहला ग्रीन ओवरपास हाईवे होगा। जी हाँ, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लगभग 5 नेचुरल वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग होंगी, जिसमें मुकुंद्रा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि वन्य क्रॉसिंग का मेन अट्रैक्शन कुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान और माथेरान इको सेंसिटिव जोन में बनी सुरंग होगी, जो कि भारत में पहली 8 लेन चौड़ी सुरंग होगी। सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जानवरों के लिए देश का पहला ओवरपास या ओवर ब्रिज होगा, जो कि इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार की इस योजना से वाइल्ड लाइफ प्रभावित न हो। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के रूट को 4 अलग-अलग सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शन 1 TND फरीदाबाद KMP मार्ग 59 किलोमीटर। पहले सेक्शन में टोटल 59 किलोमीटर है। पहले पार्ट में ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में दिल्ली नोएडा ड्राइववे यानी DND फ्लाईवे से शुरू होगा और ये शाहीन बाग, ओखला, कालिंदी कुंज जैसी जगहों से होकर गुजरेगा। इसके बाद ये हरियाणा के सोहना से गुजरेगा, जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों की सुविधा है। इसके बाद एंट्री या एग्जिट पॉइंट से आने वाले व्हीकल्स वडोदरा और मुंबई की ओर जाने के लिए हरियाणा के नूह में KMP एक्सप्रेसवे पर मिल जाएंगे। इस तरह यहां से जाने वाले लोगों को शुरू में दिल्ली का 9 किलोमीटर का सफर तय करके हरियाणा का 50 किलोमीटर तय करना होगा। सेक्शन 2 सोहना KMP वडोदरा रूट 845 किलोमीटर। इसके बाद ये सेकंड पार्ट कवर करेगा, जिसमें ये कुल 845 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बाद एक्सप्रेसवे के पार्ट 2 में भी हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें अलीपुर गांव, सोहना, सांचोली गांव, भीरावती व खलीलपुर, नौरंगाबाद, पूर्व उजीना जैसे कई गांव शामिल हैं। इसके बाद ये राजस्थान से होकर गुजरेगा और अलवर के 9 गांव गांव से होकर राजगढ़ मंडावर रोड, दौसा पूर्व, लालसोट के दक्षिण पश्चिम, सवाई माधोपुर से होकर बूंदी के इंदिरागढ़ से होकर रावतभाटा और कोटा से गुजरेगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और भानुपुरा, गरोठ, सीतामऊ, जावरा, रतलाम और थांदला जैसे जगहों को कवर करेगा। इसके बाद ये गुजरात में एंट्री करेगा, जहां से दोहात से छायन गांव, गोधरा के कुछ हिस्से, डोडगा गांव और वडोदरा जैसी जगहों पर कवर करेगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के पार्ट 2 में ये हरियाणा का 79 किलोमीटर, राजस्थान का 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश का 244 किलोमीटर और गुजरात का 149 किलोमीटर कवर करेगा। सेक्शन 3 वडोदरा विरार रूट 356 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट 3 गुजरात की कई जगहों को कवर करता है, जिसमें डोडगा गांव, फजापुर गांव, समियाला और लक्ष्मीपुरा गांव, देहगाम गांव, मोती नरोली गांव, नवसारी और वलसाड जैसी जगह शामिल है। इसके अलावा ये सेक्शन महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया को कवर करेगा, जो गुजरात महाराष्ट्र सीमा और विरार पालघर का हिस्सा है। ये एक्सप्रेसवे इस सेक्शन में गुजरात का टोटल 277 किलोमीटर जबकि महाराष्ट्र का 79 किलोमीटर कवर करेगा। सेक्शन 4 विरार JNPT रूट 92 किलोमीटर। इसके बाद सेक्शन 4 में महाराष्ट्र के विरार, माने बदलापुर जैसी जगह शामिल है और आखिर में ये एक्सप्रेसवे JNPT मुंबई में जाकर खत्म होगा। सेक्शन 4 में ये एक्सप्रेसवे सिर्फ महाराष्ट्र को कवर करेगा और इस तरह से देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सबसे लंबी दूरी तय करेगा। क्या ये एक्सप्रेसवे आपके शहर से भी होकर गुजरेगा और क्या इस एक्सप्रेसवे से देश की तरक्की को रफ्तार मिलेगी, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।